वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ज्योग्राफी में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बैंक का हो, एसएससी का, सेल का, रेलवे का, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है, यानी कि जीके से भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है। तो आइए देखते हैं जीके का कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है, इसके विषय में चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं बारी बारी से, वन बाय वन करके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बहुत सारा यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? आंसर होगा मंगल ग्रह। तीसरा क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर होगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? इसका आंसर होगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ टी क्वालिटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा चंद्रमा पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है? इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो होता है, पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है 3 जनवरी को। यानी कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बना, पहला एक तो डिस्टेंस और एक तो नियरेस्ट, मतलब एक दूरी के लिए और एक निकट के लिए। तो दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो है अधिक पूछा जा रहा है कि निकट पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आपको ऑप्शंस कीजिएगा। क्योंकि ऑप्शंस में आपको 4 जुलाई भी रहेगा, 3 जनवरी भी रहेगा, तो आप देख लीजिए कि अधिक पूछा गया, अधिक दूर पूछा गया कि निकट पूछा गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। इसका आंसर सही आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रात और दिन होने का क्या रीजन है, मतलब क्या कारण है? रात और दिन जो होता है वो किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो होता है, जो आपका ग्लोब होता है, वो ग्लोब क्या होता है, अपने अक्ष पर जो घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, रात और दिन की संभावना होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का सुझाव कितना होता है? इसका आंसर होगा 66.12 डिग्री। इसका सही आंसर है 66.12 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, यूरेनस की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा हर्सलेन ने। इसका सही आंसर है हर्सलेन ने। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र का जो ग्रहण लगता है वो कब होता है? इसका जो ग्रहण लगने का जो दिन होता है वो पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद हमारा पूरा गोल होता है, उसे दिन पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जो ग्रहण होता है वो हमेशा होगा अमावस्या के दिन। अमावस्या किसको कहते हैं? जब चंद्रमा खत्म हो जाती है, चंद्रमा खत्म हो जाते हैं यानी कि पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के बाद जब इंड हो जाते हैं, जब फिर से न्यू मून आता है, उससे पहले अमावस्या होती है, तो उसी के दिन जो होता है सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? यहाँ पर लिखा है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? रात की रानी को चंद्रमा को कहा जाता है। रात की रानी को चंद्रमा को कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा है जो कि रात में दिखती है, इसीलिए इसको रात की रानी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? मतलब किसी प्रकार का कुछ भी नहीं लगाइए फिर भी आप किस ग्रह को देख सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा शनि ग्रह। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दिया गया था, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है और जो अक्सर लोग जो होते हैं अस्तर स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज में होते हैं, तो सारे के आंसर हम आपको दे दिए। आप बारी बारी से इसको क्या कीजिए, अपना कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, ताकि या तो इसको स्क्रीन शॉट आप निकाल लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे चल के किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो।